इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मैं हूं ज्योति मिश्रा। भगोड़े मेहुल चोकसी पर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। मेहुल चोकसी की नई तस्वीर सामने आ गई है। इस तस्वीर में मेहुल के हाथ में और मुंह पर भी चोट के निशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पहले भी जेल से चोकसी की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं। इस बीच डोमिनिका की जेल में बंद मेहुल चोकसी पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए डोमिनिका ले गया था। कैरेबियाई देश डोमिनिका से भारतीय विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में भी है। इस वक्त भगोड़ा मेहुल चोकसी डोमिनिका में बचने की तरकीबें लगा रहा है, क्योंकि उसे वापस हिंदुस्तान लाने की कोशिशें चल रही हैं। क्या इस बार भगोड़े मेहुल चोकसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है? देखिए ये रिपोर्ट। लाल आंख, हाथ पर चोट के निशान और चेहरे पर डर। भगोड़े मेहुल चोकसी की पहली तस्वीर में बस यही दिख रहा है। हजारों करोड़ के घोटाले का आरोपी इस समय डोमिनिका में सलाखों के पीछे कैद है। उसकी बाईं आंख लाल है और हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। उसका कोविड टेस्ट भी हुआ है और टेस्ट के नतीजे नेगेटिव हैं। डोमिनिका की कैबिनेट ने मेहुल चोकसी पर चर्चा की है और ये तय किया गया है कि चोकसी के बारे में डोमिनिका की हाईकोर्ट ही आखिरी फैसला करेगी। 23 मई को मेहुल चोकसी एंटीगुआ से पता हो गया था। एंटीगुआ के पीएम ग्रेस्टन ब्राउनी ने भी साफ कर दिया है, मेहुल चोकसी को एंटीगुआ की नागरिकता अब तक नहीं मिली है। मेहुल चोकसी ने डोमिनिका जाकर गलती की है। मुझे जो जानकारी मिली है, मेहुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका गए थे और डिनर के लिए और वहाँ पकड़े गए। डोमिनिका सरकार उसको वापस भारत भेज सकती है, क्योंकि वो अब भी भारतीय नागरिक है। अगर वो मेहुल को वापस एंटीगुआ में भेज सकते हैं, जबकि मुझे पता है कि मेहुल की एंटीगुआ की नागरिकता अभी तक पक्की नहीं हुई है। कतर एग्जीक्यूटिव का बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 एयरक्राफ्ट डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। फ्लाइट रडार नाम की एक वेबसाइट के मुताबिक ये प्राइवेट एयरक्राफ्ट गुरुवार को दिल्ली से रवाना हुआ और स्पेन होते हुए 28 मई की शाम तक डोमिनिका पहुंच गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस प्लेन पर कौन डोमिनिका आया है और किस व्यक्ति को लेकर यह प्लेन डोमिनिका से रवाना होगा। मेहुल चोकसी के पास साल 2017 से एंटीगुआ की नागरिकता है और हाल ही में वो एंटीगुआ से गायब हो गया था। मेहुल चोकसी के वकील का दावा है कि उसका अपहरण किया गया था, हालांकि एंटीगुआ के पुलिस कमिश्नर इस बात से इनकार कर रहे हैं। हमारे पास एक व्यक्ति के गायब होने की सूचना थी, उसकी तलाश शुरू हुई। उसके बाद हमें डोमिनिका से ये सूचना मिली कि मेहुल चोकसी से मिलता जुलता एक शख्स डोमिनिका में मिला है। डोमिनिका में बात करके हमने उसकी आइडेंटिटी से जुड़ी जानकारी शेयर की। इसके बाद ये कंफर्म हो गया कि मेहुल चोकसी वही डोमिनिका में ही है। क्या हमारे पास ये जानकारी है कि उन्हें जबरदस्ती एंटीगुआ से डोमिनिका ले जाया गया था? हमारे पास ना तो ऐसी कोई जानकारी है और ना ही ऐसी कोई सूचना मिली है कि उन्हें जबरदस्ती वहां ले जाया गया था। From Antigua that he was forcefully removed. मेहुल चोकसी के गायब होने के बाद इंटरपोल ने नोटिस जारी किया था। फिर 25 मई को उसे डोमिनिका में पकड़ा गया। डोमिनिका की सरकार के मुताबिक मेहुल चोकसी अवैध तरीके से डोमिनिका आया था। अभी वो कस्टडी में है और उससे पूछताछ की जा रही है। डोमिनिका की सरकार मेहुल चोकसी को एंटीगुआ के हवाले करना चाहती है। हालांकि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने मेहुल चोकसी को भारत के हवाले करने के लिए कहा था। एंटीगुआ की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोकसी के वकील ने डोमिनिका के हाईकोर्ट में राहत के लिए याचिका दायर की है। डोमिनिका से 14,000 किलोमीटर दूर मुंबई में मेहुल चोकसी के घर की दीवारें जांच एजेंसियों के समन और नोटिसों से भरे हुए हैं। मुंबई के बालकेश्वर में गोकुल अपार्टमेंट में 9वीं और 10वीं मंजिल पर मेहुल चोकसी का डुप्लेक्स फ्लैट है। दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, कई नोटिस जमीन पर गिरे हुए हैं, उनको लगाने की जगह ही नहीं बची है। ये सारे नोटिस ईडी और दूसरे डिपार्टमेंट ने साल 2018 से लेकर 2021 तक लगाए हैं। हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए की ठगी की। उसके भांजे नीरव मोदी ने भी इस घोटाले में उसका साथ दिया और नीरव मोदी फिलहाल लंदन की जेल में बंद है। मामा और भांजे की इसी जोड़ी ने मिलकर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला किया।
साल 2018 की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक में 11,300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। इस घोटाले में नीरव मोदी के साथ उनकी पत्नी एमी, उनके भाई निशाल और चाचा मेहुल चोकसी मुख्य अभियुक्त हैं। सीबीआई और प्रत्यर्पण निदेशालय यानी ईडी को भी मेहुल चोकसी की तलाश है। फरवरी 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में दखल दिया। नीरव मोदी के मुंबई, सूरत और दिल्ली के कई दफ्तरों पर छापेमारी की गई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन ये सभी जनवरी 2018 में ही देश छोड़कर भाग गए थे। मेहुल चोकसी ने भारत से भागने से पहले 2017 में ही कैरेबियाई देश एंटीगुआ एंड बारबुडा की नागरिकता ले ली थी और तब से भारतीय एजेंसियां इन भगोड़ों को भारत लाने की कोशिश में लगी हुई हैं। साल 2018 में भारत से फरार होने के बाद एंटीगुआ से एक वीडियो जारी करके मेहुल चोकसी ने जवाब दिया था कि वो भारत नहीं लौटेगा और जांच एजेंसियों के सामने सरेंडर भी नहीं करेगा। I sent an email to the regional passport office, Mumbai, requesting them to revoke the suspension of my passport. However, I did not receive any reply from the regional passport office. Further, the regional passport office did not give any explanation as on why my passport has been suspended and how I was a security threat to the India. Hence, as my passport was suspended, there was no question of surrendering the same. मेहुल चोकसी खराब सेहत का बहाना बनाकर भारत आने से इनकार कर चुका है। कभी कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसकी पेशी होती है। भारत में उसकी कई संपत्तियां भी जब्त की जा चुकी हैं। मेहुल चोकसी के मुंबई में 15 फ्लैट हैं और 17 ऑफिसेज हैं। कोलकाता में मॉल है, अलीबाग में फार्म हाउस है, देश के 6 राज्यों में उसकी करोड़ों की जमीन है। फरार होने के बाद चोकसी ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार के साथ मिलकर इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई सबने मिलकर उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। I was not in India. I was having my medical procedure at that particular time. And they nearly seized 5,000 to 6,000 crores of my merchandise, properties and everything. There were 3 agencies raiding me that time, income tax, CBI and ED. एक बड़ा सवाल ये है कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग जो देश का पैसा लेकर देश से भाग गए, उन्हें कब तक वापस लाया जाएगा? ऐसे लोगों पर सरकार ने कई बार जवाब दिया कि देश का माहौल बदल गया तो ये लोग देश छोड़कर भाग गए। सरकार की कोशिश जारी है और देर सवेरे ने वापस जरूर लाया जाएगा। आखिर भागना क्यों पड़ा? अगर पहले जैसी सरकार होती, यही दोस्ताना चलता, लूटना है लूटते चले, देना है देता चले, खाना है खाता चले, तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी और इसलिए भागे हैं। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है। इसलिए सरकार के हाथ में जितने विषय हैं उनका पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं और मैं विश्वस्त हूँ कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापिस नहीं आए। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है, कानून बना करके संपत्ति जब्त करने की दिशा में भी प्रयास हो रहा है और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी दोनों ने पंजाब नेशनल बैंक से ये कहकर रुपया लिया कि विदेशों में धंधा जमाना है और फिर फर्जी कंपनियों के जरिए सारे पैसों का घोटाला कर दिया। जांच एजेंसियां जब तक दोनों को पकड़ने की कोशिश करती तब तक दोनों सात समंदर पार भाग गए। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। इस घोटाले का मुख्य आरोपी चोकसी का भांजा नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है और मेहुल चोकसी डोमिनिका में पकड़ा गया है। आज नहीं तो कल ये जरूर भारत में सलाखों के पीछे होंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।